हेलो दोस्तों, आसंसर इंजीनियरिंग के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तीसरा दिन है, तो 12:15 बजे तक इसको टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है और उसके अलावा आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पारस डिफेंस का जो आईपीओ आ रहा है 21 तारीख को, उसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके अलावा बताऊंगा कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कन्फ्यूज हैं कि पारस डिफेंस के अंदर अप्लाई करें या सनसेरा इंजीनियरिंग के आईपीओ में अप्लाई करें। तो बात करें सनसेरा इंजीनियरिंग के आईपीओ की, तो 12:15 बजे तक इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है दोस्तों, इसका जो सब्सक्रिप्शन है चेंज होता रहेगा, जब आप वीडियो देखेंगे तब इसका सब्सक्रिप्शन और ज्यादा चेंज हो जाएगा। अभी मैं 12:15 बजे तक आपको बता देता हूं कि इसको टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। तो 12:15 बजे तक इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 1.82 गुना, मतलब 1 गुना से भी ज्यादा ओवरऑल, मतलब टोटल ये सब्सक्राइब हो चुका है। और उसके बाद इसका क्यूआईबी पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 2.29 गुना, तो बहुत ही पॉजिटिव बात है कि क्यूआईबी पोर्शन 2 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और मुझे लगता है क्लोजिंग तक और ज्यादा सब्सक्राइब होने की उम्मीद है। और इसका एनआईआई पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 0.39 गुना, और ये अभी तक 1 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है। इसमें भी मुझे उम्मीद है जब ये आईपीओ क्लोज होगा तब और ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा एनआईआईज में। और इसका रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 2.19 गुना, और इसका एम्प्लॉय पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 1.05 गुना, और मुझे उम्मीद है कि रिटेल पोर्शन थोड़ा और सब्सक्राइब होगा। तो इसको ओवरऑल 12:15 बजे तक जो सब्सक्रिप्शन मिला है 1.82 गुना। और इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो चल रहा है 11 रुपये पर शेयर, तो ये 20 शेयर का लॉट है, तो लगभग 220 रुपये पर लॉट पर हमें फायदा बता रहा है। पर मुझे उम्मीद है इस आईपीओ पर हमें 10 से 15% के बीच में लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी कंपनी नजर आ रही है। अब बात करें पारस डिफेंस के आईपीओ की, जो 21 तारीख को ओपन होगा, उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, 104 रुपये पर शेयर। तो 85 शेयर का लॉट है, तो 104 × 85 करते हैं तो लगभग 88 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, मतलब लगभग 9,000 रुपये के आसपास हमें आज की तारीख में एक लॉट पर फायदा बता रहा है। अब बात करते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी काम क्या करती है, तो ये डिजाइन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग करती है जो डिफेंस और स्पेस के अंदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो काम आते हैं उनकी। तो जो ये इसका पर्टिकुलर सेक्टर है उसके अंदर ये इंडिया की अकेली कंपनी है, और इसका जो मेन प्रोडक्ट है स्पेस ऑप्टिक्स काम आता है, जो स्पेस से डाटा ट्रांसफर करते हैं मतलब बिना किसी ऑप्टिकल फाइबर के, उसको बोलते हैं स्पेस ऑप्टिक्स। उसके अंदर ये वर्ल्ड के टॉप सप्लाइज के अंदर आता है, और इसका जो एम है मतलब जो इसका लक्ष्य है वर्ल्ड के मतलब नंबर वन सप्लायर के अंदर आना है स्पेस ऑप्टिक्स के अंदर। और इसके अलावा डिफेंस और स्पेस सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स लगते हैं उसकी बहुत बड़ी सप्लायर है इंडिया के अंदर, और उसके अलावा रॉकेट और मिसाइल के अंदर भी जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स काम आते हैं उसकी भी ये सप्लायर है। तो इसका फ्यूचर तो बहुत ही जबरदस्त है, और इसका फुल रिव्यू आज या कल में आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया आज की तारीख में जो पारस डिफेंस का ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग चल रहा है 9,000 रुपये पर लॉट के आसपास, और सनसेरा इंजीनियरिंग का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 220 रुपये के आसपास। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे दोनों ही कंपनियां अच्छी लग रही है, पर इन दोनों में से एक सेलेक्ट करने को बोले तो मुझे पारस डिफेंस थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।